सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट 5G गेमिंग मोबाइल अंडर 10,000। जहाँ पे आपको 10,000 के अंदर 8GB रैम, 256GB रोम मिलेगा, 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा, उसके साथ साथ 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए 10,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग 5G स्मार्टफोन तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस है पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च पोको M6 जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, जब आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट जो 6nm पे बेस है, और ये 5G चिपसेट है। वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे 4GB रैम, 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 5MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग। तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों, इस मोबाइल की पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरियंट ब्लू। मुझे जो ओरियंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों, इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों, ये तो क्या इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। बात किया जाए इसकी 4GB 128GB की प्राइस के बारे में तो इसके करंट टाइम पे प्राइस 9200 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 8000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए 8GB 256GB की प्राइस के बारे में तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 10500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद उसकी भी प्राइस 9500 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये भी काफी अच्छा सा एक ऑप्शन है। आपको अगर चाहिए 8GB 256GB वाला डिवाइस तो भी आप इस वेरिएंट को बाय कर सकते। तो दोस्तों, ये डिवाइस आता है मोटोरोला की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस मोटो G34 जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो काफी प्यारा सा है, और दोस्तों यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलेगा जो काफी प्रीमियम फील देगा इस डिवाइस को। वहीं पे बात करें फीचर की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। हाँ दोस्तों, 10,000 के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की तो ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है, और मुझे इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात लगी इस डिवाइस में आपको 13 5G बैंड मिल जाएगा, जो इंडिया की सभी 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, वही पे बात करें रैम रोम की तो आपको बेस वेरिएंट में 4GB रैम, 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो भी इस डिवाइस को काफी यूनिक बनाता है इस प्राइस पॉइंट पे। वहीं पे बात करें कैमरा की तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 वर्जन पे रन होगा, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, ये डिवाइस IP53 की रेटिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे अच्छे मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में तो करंट टाइम पे इसकी जो प्राइस वो 11000 रहता है बेस ब्रांड का, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो 10,000 में काफी अच्छा सा और शानदार सा डिवाइस है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो।
दोस्तों ये डिवाइस आता है लावा की तरफ से, लावा ब्लेज 2 5G जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो क्या कुछ मिलता है एक एक आगे सब कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो एक बजट डिवाइस है, पर बैक के लुक से लगेगा एक प्रीमियम सा एक डिवाइस है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विथ ऑरा लाइट। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा जो काफी अच्छे एक फीचर होने वाले हैं बजट डिवाइस के हिसाब से। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं बाकी फीचर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का LCD सेंटर कंसोल डिस्प्ले जो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सा है, और प्रोसेसर मिलेगा डायमेंसिटी 6020 5G प्रोसेसर। प्रोसेसर काफी पावरफुल होने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और दोस्तों इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर के बारे में फिर से मैं बता दूं, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास की बैक, जहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा। और दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा विथ 5V कैमरा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W की फास्ट चार्जिंग। तो देख सकते हो सभी कुछ फीचर आपको एकदम एक्स्ट्रा लेवल का मिल रहा है, और लुक एंड डिजाइन भी काफी सही है। तो दोस्तों बात करें प्राइस की, तो इसकी जो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट है उसकी प्राइस 9999 मतलब 10,000 है। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट पे इस प्राइस में कोई भी 5G डिवाइस को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और कर भी रहा तो इतने सारे फीचर को नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल ये है। तो आप अगर चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस को लेना, तो आप आग बंद करके इसके साथ जा सकते हो। काफी शानदार सा ये डिवाइस है। सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A40। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जहाँ से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Exynos 1330 5G चिपसेट जो 5nm पे बेस्ड है, एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। और दोस्तों रैम रोम में यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट पे 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा, अदर और एक वेरिएंट है जहाँ पे आपको 6GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी, जहाँ पे आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। पर आपको इस मोबाइल के साथ एडाप्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ डाटा केबल ही मिलेगा, जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है सैमसंग की मोबाइल के साथ। और दोस्तों इस डिवाइस में सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। वहीं पे बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको Android 13 रन मिलेगा, उसके साथ साथ UI कोर 5.0 वर्जन होगा इसकी OS का। तो दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से, पोको M6 Pro 5G। तो दोस्तों अभी करंट टाइम पे इंडिया के अंडर 10,000 में सबसे अच्छा 5G मोबाइल यही है फीचर वाइज। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, जो इस मोबाइल को एकदम प्रीमियम लेवल का बना देता है। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे ये एक 5G गेमिंग डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 2 5G चिपसेट जो 4nm पे बेस है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी जो एंथोस स्कोर वो 4 लाख से भी ज्यादा है। तो इस मोबाइल पे आप फ्री फायर पबजी हाई लेवल पे खेल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी लैगिंग का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कोई भी टाइप की गेम प्ले आप इस मोबाइल पे कर सकते हो। तो आप अगर 10,000 के अंदर एक गेमिंग डिवाइस भी लेना चाहते हो, तो ये मोबाइल काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला बेस ब्रेड पे 4GB प्लस 128GB रोम। वहीं पे आपको दो ऑप्शन और भी मिलेगा, 6GB 256GB और 8GB 256GB। वहीं पे बात करें डिस्प्ले की, तो पोको की सबसे बड़ी डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.79 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है। तो गेम प्ले के लिए 90Hz काफी फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे कैमरा भी आपको काफी तगड़े मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ कैमरा भी
मिल जाएगा। बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, तो कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000 mAh का लार्ज बैटरी विथ 18 W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की बारे में। तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB+128GB है उसके ओरिजिनल प्राइस 11,000 है, पर मैक्सिमम टाइम आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलता है और कोई भी सेल पे आपको उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस 9,999 हो चुका है। तो अंडर 10,000 में ये मोबाइल काफी अच्छा है। उसके साथ साथ दो और वेरियंट है, 6GB 128GB जिसके प्राइस 12,000 है और 8GB+256GB जिसके प्राइस आपको 13,000। तो आप प्रॉपर गेमिंग के लिए आप अगर लेना चाहते हो तो 6GB 128GB आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकता है। तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रह गया। और वैसे भी आप नॉर्मल यूज के लिए 5G डिवाइस लेना चाहते हो तो 4GB 128GB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था इंडिया का बेस्ट बजट गेमिंग 5G मोबाइल अंडर 10,000। तो दोस्तों वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसा वीडियो और भी देखने के लिए।